हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका का घर संसार, जिसमें मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट। चलो हनी आ जाओ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तीज के लिए कुछ सामान ले रही हूँ। ये वाला है भैया? अच्छा, और भी कुछ लगता है भैया इसमें? इसमें कपड़ा है, कपड़ा पहन। हाँ, तो एक कपड़ भी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यही से मैं हमेशा सामान लेके जाती हूँ इन भैया से। तो अगर आप इधर निवारू रोड में रहते हैं तो आप यहाँ से सामान ले सकते हैं कॉस्मेटिक का। भैया कॉस्मेटिक का सारा सामान रखते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। बिंदी दे प्लेन में दे नहीं, अब नहीं कुछ लेना। देखिए आप यहाँ से कोई भी कॉस्मेटिक का सामान ले सकते हैं। और ये है भैया, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप निवारू रोड पे रहते हैं जयपुर में तो आप यहाँ से ले सकते हैं सामान। भैया के पास सारा कॉस्मेटिक का सामान मिल जाता है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मार्केट से, और बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। और बाबू भी आके सो गया है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का बज गया है 6 और मैं जा रही थी अभी पिड़िकिया बनाने, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा और घी, साथ में घी भी ले लिया है। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इन दोनों को। देखिए यहाँ पे हमारा मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको ऐसे करके देख लेना है। जब ये ऐसे हो जाए तो समझिएगा कि आपका ये आटा और घी मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे पानी और एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा डो हो गया है रेडी। आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और चलिए तब तक हम अपना स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मावा, और इसमें ऐड करेंगे चीनी, और मैंने ले लिया है कूटी हुई इलायची। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा रेडी हो गया है और माँ यहाँ पे बैठ के बना रही हैं पिड़िकिया। और हनी देखिए क्या कर रहा है। हनी क्या कर रहे हो, बना रहे हो दादी के साथ? छोड़ दो, छोड़ दो, दादी को बनाने दो, छोड़ दो बेटू, दादी को बनाने दो।
देखिए यहाँ पे हमारा सारा पिड़िकिया हो गया है रेडी। अब तो चलते हैं, अब इसको तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ तलने के लिए गैस पे रख दिया है कढ़ाई, और अब पिड़िकिया को डालेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें। तो मैंने यहाँ पे पिड़िकिया को तल लिया है और मेरा पिड़िकिया हो गया है रेडी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।